गेस्ट, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब बच्चों को कोलिक पेन होता है तो पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं, और ये कोलिक पेन वाला जो प्रॉब्लम है, गैस का जो दर्द का प्रॉब्लम है, उसमें बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि बच्चे को हींग लगा दो। पर वो हींग किस तरह लगाना है जिससे उसके मैक्सिमम बेनिफिट बच्चे को मिल सके, आज हम उस पेस्ट को बनाना सीखेंगे। वो पेस्ट रेडीमेड भी आता है, तो रेडीमेड हमें कैसा मिलता है, कैसा बना हुआ आता है, किस तरह लगा सकते हैं, तो पहले वीडियो में डेमोंस्ट्रेशन से वो पेस्ट बनाना सीखेंगे, और उसके बाद वो कैसे लगाना है और रेडीमेड पेस्ट कैसा है उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स मिलेंगी। बच्चे को कोलिक पेन बहुत परेशान करता है और पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, इसमें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, तो आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सबसे पहले आपको मिले, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज की वीडियो में मैं पहले वो पेस्ट बनाना आपको बता देती हूँ कि वो पेस्ट किस तरह से बनाना है, उसके बाद बात करेंगे कि उसे किस तरह लगाना है, और देन हम बात करेंगे कि किस तरह के रेडीमेड पेस्ट आते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को कोलिक पेन से निजात मिल सके। तो चलिए पहले पेस्ट बनाना सीखते हैं। तो देखिए ये हींग का पेस्ट आपको कैसे बनाना है। आपको गैस ऑन करनी है, कोई पैन रखना है, उसमें इस तरह से पानी डालना है। जब आप ऐसे पानी डाल लेंगी तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हींग डाल दीजिए। अब जैसे जैसे ये बॉयल होगा ये हार्ड होता जाएगा। और जितना ये हार्ड होगा वैसे ये पानी जो है उड़ जाएगा इसमें से, और थोड़ा सा तेज कर लेते हैं गैस को। मैं बहुत थोड़ा बना रही हूँ, पेस्ट ये बनके रेडी हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। कुछ लोगों को होता है कि वो जस्ट पानी में थोड़ा चुटकी पर पानी लेते हैं, उसमें हींग घोलते हैं और बच्चे को ऐसे ही डायरेक्ट लगा देते हैं। ऐसे लगाने से वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, जिस वजह से आप हींग बच्चे के लगा रहे हैं। आपको इस तरह से लगाना है, 3 चम्मच या 2 चम्मच पानी डालना है, उसमें हींग डालना है, उसे मिलाना है, उस पानी को अच्छे से बॉयल करना है, और जैसे जैसे वो पानी उड़ता चला जाएगा तो हींग इस तरह से हार्ड हो जाएगी, एक लेप की तरह, पेस्ट की तरह बन जाएगी, और इसको आपको बेसिकली बच्चे को लगाना है, तभी ये अपने पूरी तरह से इफेक्ट दे पाएगा। हींग अच्छी तरह से यूज कीजिएगा, और लगाना भी किस तरह से है वो मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे कि सही तरह से आप एटलीस्ट जो काम कर रहे हैं बच्चे के लिए वो कर सके, और वो एक्चुअल बेनिफिट दे सके जिस वजह से आप वो कर रहे हैं। तो ये तो सारी बात हो गई कि वो पेस्ट हमें बनाना किस तरह है और किस तरह से बच्चे के वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस तरह से करना है उसका डेमोंस्ट्रेशन आप देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे ठीक तरह से अप्लाई नहीं करेंगे तो जस्ट वो एक सिंपल हींग रह जाएगा, जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बच्चे की कोलिक पेन, गैस की तकलीफ, जो गैस उसके अंदर ट्रैप हो गई है, उसको वो रिलीव नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है। अब हम स्पीड डेमोंस्ट्रेट करके बताएंगे कि जो ये पेस्ट आपने बना लिया है इसको लगाना किस तरह है। लोग क्या करते हैं, इसको बस ऐसे करके लगा देते हैं, ये बच्चे की नाभि में घुसा देते हैं, तो ये आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पेस्ट लेना है, अपनी इन 3 फिंगर्स का यूज करना है, और उसके बाद जो बच्चे की टमी में नाभि है उसके चारों तरफ से लगाना है। लेकिन लगाते हुए ये याद रखना है, जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है आपको वो फॉलो करना है। आपको कभी भी एंटी क्लॉक वाइज नहीं लगाना है, नहीं तो ये बच्चे के लिए फायदेमंद ना होकर नुकसान कर सकता है। आपको हमेशा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है और बच्चे की नाभि के चारों तरफ लगाना है। थोड़े से एरिया में लगाइए और इसी तरह से पेस्ट लगाना है। इसको आप दिन में 2 बार सुबह शाम लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको बना के मत रखिए। हमेशा इस पेस्ट को ताजा बनाना है आपको। और दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि बच्चे को नहलाने से पहले आप इसको लगा सकते हैं, थोड़ी देर लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद बच्चे को नहला दीजिए, तो बच्चे के कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है ज्यादा देर ये बच्चे की स्किन पे ना लगा रहे, क्योंकि ये कई बार बहुत स्ट्रांग होता है, तो हींग अच्छी कंपनी का यूज
करें। और दूसरा ये बात याद रखें कि जो ये हींग है ये बच्चे के लिए एक होम रेमेडी है, तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है अगर आप इस तरह से पेस्ट बना के यूज करेंगे तो। बच्चे की कोलिक पेन की जो प्रॉब्लम है वो विद इन 5 to 6 मिनट्स तभी रिलीव हो जाएगी, बट ये दोबारा भी आ जाएगी, तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वो पेस्ट जो हमने होममेड बनाया है, बट कई बार पेरेंट्स को होता है कि होममेड पेस्ट क्योंकि कुछ स्टेन भी छोड़ देता है, कपड़ों को गंदा कर देता है, स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, कई बार कुछ बच्चे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते और इवन पेरेंट्स को भी वो अनबियरेबल होती है और कपड़ों पे निशान रह जाता है, बच्चे की स्किन पे एट टाइम्स रह जाता है, तो बच्चों पेरेंट्स को होता है कि हमें कुछ होममेड ना यूज करके हमें कुछ रेडीमेड ऐसा मिल जाए। तो इस तरह के रोल ऑन्स आते हैं, बहुत अच्छे रोल ऑन्स हैं, इसको जस्ट आपको ऐसे ओपन करना होता है और इसके ऊपर ऐसे रोल करके बच्चे की टमी के ऊपर आपको इसको लगा देना होता है। ये ममा अर्थ का है, नहीं तो हर बच्चे के ब्रांड के अब रोल ऑन्स आने लग गए हैं जिनको हम जो है टमी रोल ऑन्स बोलते हैं और ये गैस रिलीव करते हैं। आप इस तरह का रोल ऑन परचेज कर सकते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, आई थिंक 200 के आसपास का आता है ये, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है और ये इफेक्टिव है। ये किसी भी तरह का स्टेन बच्चे के कपड़ों पे नहीं, निशान नहीं रहता है, बच्चे के जस्ट जैसे जेल होता है इस तरह का होता है, बच्चे की बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो ऐसे चिपचिपापन या कुछ भी नहीं रहता है और स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग स्मेल नहीं है, तो ये बच्चा भी आराम से बियर कर पाता है और पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप होममेड बना सकते हैं जैसे मैंने बताया है, उसको उस तरह अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो परचेस भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप हींग का पेस्ट लगाते हैं या हींग यूज करते हैं तो बच्चे के कोलिक पेन में बहुत निजात मिलेगा, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जो ये कोलिक वाली प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट सारे ही पेरेंट्स अपने इनिशियल जो मदरहुड है, पेरेंटहुड है, उसमें फेस करते हैं। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कोई क्वेरी हो तो आपको कमेंट भी करना है। ये जो सारी वीडियोस हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज है, तो इसी तरह की और वीडियोस भी चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।